भारत और श्रीलंका के बीच मोहाली में पहला टेस्ट मैच खेला जा रहा है। टीम इंडिया ने पहली पारी में 574 रनों का पहाड़ जैसा स्कोर बनाया। इसमें ऑलराउंडर रविंद्र जडेजा ने नाबाद 175 रनों की पारी खेली। भारत ने जब अपनी पारी घोषित की तब रविंद्र जडेजा नाबाद थे। ऐसे में अब फैन सवाल उठा रहे हैं कि कप्तान रोहित शर्मा ने रविंद्र जडेजा को दोहरा शतक पूरा क्यों नहीं करने दिया। दरअसल दूसरे दिन टी से ठीक पहले जब कुछ ही ओवर बचे थे तब कप्तान रोहित शर्मा ड्रेसिंग रूम से बाहर निकले और बाउंड्री के पास गए। वहां बैठे कुलदीप यादव समेत अन्य प्लेयर्स को पारी घोषित करने का मैसेज दिया ताकि वो ग्राउंड में जाकर रविंद्र जडेजा और मोहम्मद शमी को संदेश दे। लेकिन इसके कुछ देर बाद ही रोहित ने खुद पारी घोषित करने का इशारा कर दिया। जब पारी घोषित हुई तब रविंद्र जडेजा 175 रनों पर नाबाद थे और 23 से रन बटोर रहे थे। जडेजा ने अपनी पारी में 17 चौके और 3 छक्के जड़े। शतक जड़ने के बाद तो रविंद्र जडेजा ने अपनी रफ्तार बढ़ा दी थी और 23 से रन बटोरे। यही कारण रहा कि फैंस को लगा कि अगर जडेजा को कुछ और ओवर मिलते तो वो अपने करियर का पहला दोहरा शतक जड़ सकते थे। जब ऐसा हुआ तो फैंस को कोच राहुल द्रविड़ याद आए, जो पहले भी इस तरीके के फैसले को लेकर विवादों में रह चुके हैं। राहुल द्रविड़ जब टीम इंडिया के कप्तान थे अब टीम इंडिया के हेड कोच हैं। दरअसल पाकिस्तान के खिलाफ 2004 में जब मुल्तान में सचिन 194 पर नाबाद थे तब राहुल द्रविड़ ने पारी घोषित कर दी थी। हर कोई उस वक्त हैरान था कि एक बड़े विवाद की वजह होगा। आज जब राहुल द्रविड़ टीम इंडिया के कोच हैं तब रोहित शर्मा ने जडेजा को लेकर यह फैसला किया और लोगों को फिर पुराने किस्से की याद आई। कई तरीके के मीम्स बने कि ये भी कोच राहुल द्रविड़ का ही फैसला रहा होगा। बता दें कि मोहाली में भारत ने टॉस जीतकर पहले बल्लेबाजी का फैसला किया था। टीम इंडिया ने पहली पारी में 574 रन बनाए और 8 विकेट खोकर अपनी पारी घोषित कर दी। भारत की ओर से जडेजा ने 175 रन, ऋषभ पंत ने 96 रनों की पारी खेली। एएनपी टाइम्स के रिपोर्ट।